आज हम फैक्टर थ्योरम करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रिमाइंडर थ्योरम किया था। रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर फाइंड करना होता है, फैक्टर थ्योरम में फैक्टर फाइंड करना होता है, या तो फिर प्रूव करना होता है कि ये फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर थ्योरम मतलब कि नॉर्मली इट इज नथिंग बट अ स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, मतलब मिडल टर्म को आप स्प्लिट करो, बस वही होता है। ठीक है, सो इजी है। हम जैसे वो आइडेंटिटीज यूज करते हैं, बस वही मतलब फैक्टराइजेशन ही करना है, उसको ही हम बेसिकली फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन 1, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स हैज अ फैक्टर। देखो, अगर सपोज कोई भी पॉलीनोमियल है और मैं उसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगी, तो जब मैं वो एक्स की वैल्यू उसमें रखूंगी तो वो जीरो ही आना चाहिए, और तब जाके वो फैक्टर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन वन में बोलना है कि एक्स प्लस वन सारे पॉलीनोमियल्स का फैक्टर है कि नहीं है। तो मतलब हमें क्या करना है, एक्स प्लस वन है तो एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। मतलब कि एक्स की जगह पे माइनस वन रखना है, अगर जीरो आए तो समझने का कि वो पॉलिनोमियल का एक्स प्लस वन फैक्टर है, वरना तो नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेर प्लस एक्स प्लस वन। तो माइनस वन होल क्यूब प्लस माइनस वन होल स्क्वेयर प्लस माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, तो ये क्या आ गया, जीरो। ठीक है, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर जीरो है, तो एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर। ओके, नाउ सेकेंड वाला, सेकेंड में भी हम एक्स इक्वल्स टू माइनस वन ही रखेंगे। सो पी ऑफ एक्स है एक्स रेस टू फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। ये एक्स क्यूब से लेके देखा तो जीरो आया। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। ये तो क्या सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कई बार ऐसे सम्स भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो स्कोरिंग रहता है ये सारी चीजें। ये देखिए, ये क्या है, जीरो है। ठीक है, तो बचा क्या, वन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इज टू फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। सो माइनस वन होल इज टू फोर प्लस थ्री इंटू माइनस वन क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन स्क्वेयर प्लस माइनस वन प्लस वन। ये तो वन आ गया, ये माइनस थ्री आया, ये प्लस थ्री आया, ये माइनस वन आया, ये प्लस वन आया। तो एक तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, वन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर। ओके, फोर्थ। फोर्थ है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। तो माइनस वन होल क्यूब माइनस माइनस वन स्क्वेर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू माइनस वन प्लस रूट टू। ठीक है, तो ये माइनस वन हुआ, ये भी क्या हुआ, माइनस वन। फिर ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टू माइनस रूट टू प्लस रूट टू। तो ये रूट टू कैंसल, ये माइनस टू प्लस टू जीरो। सो एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर। ओके, फिफ्थ। फिफ्थ तो है ही नहीं।
क्वेश्चन नंबर टू, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो पी ऑफ एक्स यहाँ पे है 2x³ + x² - 2x - 1 और जी ऑफ एक्स है x+1। तो जी ऑफ एक्स फैक्टर है कि नहीं है, उसके लिए हमें x = -1, सो पी ऑफ -1 जीरो आना चाहिए, तब जाके जी ऑफ एक्स फैक्टर होगा, ठीक है, -2 + 1 + 2 - 1, ये कैंसिल और ये कैंसिल, सो विच इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। टू, पी ऑफ एक्स है x³ + 3x² + 3x + 1 और जी ऑफ एक्स है x+2, दैट मीन्स x+2 = 0, देयरफॉर x = -2, सो पी ऑफ -2 होना चाहिए 0, 3 × -2² + 3 × -2 + 1, -8 + 4 = 12, -6 + 1, तो ये क्या हुआ 13 हुआ, और ये माइनस वाला -14 + 13, तो ये -1 हुआ विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो जी ऑफ एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। थर्ड, पी ऑफ एक्स है x³ - 4x² + x + 6, जी ऑफ एक्स है x - 3, सो x - 3 = 0, देयरफॉर x = 3, सो पी ऑफ 3 इज इक्वल टू 3³ - 4 × 3² + 3 + 6, सो 27 - 4 × 9 + 9, सो 27 - 36 + 9, ठीक है, तो ये क्या हो गया 0, सो जी ऑफ एक्स इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ओके, क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस, मतलब के की वैल्यू फाइंड करनी है, इफ एक्स माइनस इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ, मतलब एक्स माइनस वन फैक्टर है, मतलब कि एक्स की वैल्यू 1 है और पूरा पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू 0 है, ठीक है, सो फर्स्ट ले लें, तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x² + x + k विच इज इक्वल टू 0, so p of 1 equals to 0, so 2 × 1² + k × 1 + √2 = 0, so 2 + k + √2 = 0, so k is equal to -√2 - 2, इसको और अच्छी तरह से लिखना है तो ब्रैकेट में ले लो, p of x equals to kx² - √2x + 1, so p of 1 equals to 0, so k² - √2 × 1 + 1 = 0, so k - √2 + 1 = 0, so k = √2 - 1. Fourth,
ऑफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के एक्स इक्वल्स टू 1, सो पी ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, के इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इक्वल्स टू 0, सो 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सो के इक्वल्स टू 3 बाय 2। अरे यार कीड़ियों छिथाई गई हसे, આજુબાજુ જોવું પડશે આપણે। क्वेश्चन फोर, फैक्टराइजेशन। 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो देखिए 12 इंटू 1, तो पहले इसके फैक्टर्स निकालो। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। चाहिए क्या? 7। क्या करके चाहिए? प्लस करके। सो 4 इंटू 3 इज 12 एंड 4 प्लस 3 इज 7, ठीक है। लेकिन माइनस 7 चाहिए, तो माइनस 4x माइनस 3x। सो 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, सो 4x, 3x माइनस 1 माइनस 1, 3x माइनस 1, सो 3x माइनस 1, 4x माइनस 1, કેટલું ડિસ્ટર્બ કરે છે યાર, મારે એડિટિંગમાં કેટલી તકલીફ પડશે। નીકળી ગયો 2x² પ્લસ 7x પ્લસ 3, તો 2 મલ્ટીપ્લાયડ બાય 3 ઇઝ 6, મુજે 6 ચાહીએ, ઠીક હે। ક્યાં કરકે 6 ચાહીએ? પ્લસ કરકે। 6 ઇન્ટુ 1 ઇઝ 6 હો ગયા, और 6 प्लस 1 मेरा 7 भी हो गया। डेट मीन 6x + x = 7। सो 2x² प्लस 6x + x + 3 = 0। सॉरी, 0 नहीं आएगा। 2x कॉमन, x + 3 यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्लस 1 x + 3। सो x + 3 (2x + 1) थर्ड 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब देखिए 6 × 6 क्या होगा? 36। उसके फैक्टर्स क्या होंगे? उसके फैक्टर्स है 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए बीच में? 5 चाहिए, तो 9 और 4, सो 9 4 भी 36 होता है, ठीक है। एंड 9 − 4 = 5, 5 कौन सा है? प्लस है, तो 9x − 4x = 5x, ऐसे आएगा, ठीक है। सो 6x² प्लस 9x − 4x − 6, 6 और 9 3x में आएगा, सो 2x + 3 माइनस, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, तो 2x + 3। ये देखिए प्लस कैसे आया, सबसे पहले तो ये और ये ना सेम आना चाहिए। ये प्लस क्यों आया? क्योंकि इधर यहाँ पे माइनस है। अगर आप ब्रैकेट नहीं या ब्रैकेट डालते हो तो यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, और अगर ब्रैकेट ओपन करते हो तो भी ये सेम चीज रहेगी। सो 2x + 3 × 3x − 2। फोर्थ, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ये तो सीधा ही है, 4 − 3 1 हो जाएगा ऑब्वियसली। 4 − 3 क्या हो जाएगा? 1।
मतलब कि लेकिन मुझे माइनस वन चाहिए, सो माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, सो थ्री एक्स स्क्वेर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, सो एक्स कॉमन थ्री एक्स माइनस फोर प्लस वन कॉमन थ्री एक्स माइनस फोर, सो आंसर इज थ्री एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस वन. ओके नेक्स्ट. क्वेश्चन फाइव, इसमें भी फैक्टराइजेशन है. अगर सीधा सीधा कॉमन निकलता है तो वो करो, वरना तो फिर स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म में जाना पड़ेगा. ठीक है, वो देखते हैं हम कैसे करेंगे. लेकिन यहाँ पे ये जो फर्स्ट है उसमें तो एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स माइनस टू माइनस वन कॉमन एक्स माइनस टू, सो एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन. अब ये है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, जिसका है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ठीक है, तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन. देखो एक तरीका है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, तीन, तो फैक्टर्स भी कितने निकलेंगे एक्स के, पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कितने निकलेंगे, टी थ्री. ओके, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री होगा उतना ही फैक्टर्स निकलेंगे. टू है तो दो निकलेंगे, थ्री है तो थ्री निकलेंगे. ठीक है, मतलब ये समझ में आना चाहिए कि इसके आगे भी अभी करना पड़ेगा. सेकेंड, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव. अब देखो सबसे पहले इसमें पहले पहला जो सम था उस तरीके से नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये थ्री एक्स और नाइन एक्स को स्प्लिट करना पड़ेगा. लेकिन हमारे पास कोई फैक्टर है नहीं, तो फैक्टर पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा. कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले कॉन्सेंट्रेट करो ये नंबर पे फाइव. फाइव के कितने फैक्टर्स है, फाइव के दो फैक्टर्स है, वन इंटू फाइव, मतलब कि प्लस और माइनस वन भी हो सकता है, प्लस और माइनस फाइव भी हो सकता है. तो पहले पी ऑफ वन फाइंड करो, देखो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. पी ऑफ माइनस वन फाइंड करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. पी ऑफ फाइव फाइंड करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. और पी ऑफ माइनस फाइंड करो, जो भी पहला आपको मिल जाएगा. ऑलवेज ट्राई पहले वन करो और बाद में माइनस वन करो. ठीक है, अगर इसमें आ जाएगा ना तो वो ईजी रहेगा. ठीक है, तो पहले हम पी ऑफ वन फाइंड करते हैं. सो वन क्यूब माइनस थ्री वन स्क्वेर माइनस नाइन इंटू वन माइनस फाइव, सो वन माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव. तो ये तो क्या आया, ये नॉट इक्वल टू जीरो ऑब्वियसली. ठीक है, ये नॉट इक्वल टू जीरो, सो पी ऑफ माइनस वन फाइंड करो. सो माइनस वन होल क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस वन स्क्वायर माइनस नाइन इंटू माइनस वन माइनस फाइव. तो ये माइनस वन माइनस थ्री प्लस नाइन माइनस फाइव, तो ये इक्वल टू जीरो आया. ठीक है, मतलब कि एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, देयर फॉर एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर. ये देखो हम रिवर्स में जा रहे हैं. ठीक है, एक्स प्लस वन फैक्टर आया. अब हमारा पॉलिनोमियल क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव. आइधर आप ये दोनों को स्प्लिट करो, आइधर आप उसको डिवाइड करो एक्स प्लस वन से, मतलब कि लॉन्ग डिविजन मेथड से. लेकिन बेहतर होगा कि हम इसको स्प्लिट करें. ठीक है, वो कैसे करेंगे, एक्स क्यूब मुझे एक्स प्लस वन लाना है तो ऑब्वियसली एक्स एक्स स्क्वायर हो गया. इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट वाला जो है आपका एक्स क्यूब और ये माइनस वाई दोनों सेम रहेगा. चेंजेस जो आएंगे वो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस नाइन एक्स में आएंगे. और ये ध्यान में रखना है कि हमें एक्स प्लस वन तो लाना ही है, लेकिन क्वेश्चन हमें चेंज नहीं करना है. ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है एक्स स्क्वायर है, तो ये मुझे क्या चाहिए, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मुझे यहाँ पे माइनस फोर एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा. तो ये देखिए, ये मेरा माइनस वन, वन माइनस फोर आ गया मेरा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर. ठीक है,
अब मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, माइनस फोर एक्स ही करना पड़ेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ ये दोनों में भी मुझे एक्स प्लस वाई कॉमन चाहिए। अब मुझे 9x चाहिए, माइनस 9x, तो माइनस 5x करूंगी मैं, और यहाँ पे माइनस 5। ये देखिए, ये माइनस 4 माइनस 5, 9x आ गया। ये माइनस 5 मैंने ऐसे ही रखा है, और ये एक्स क्यूब भी मैंने ऐसे ही किया है, ठीक है? सो अब दो दो की पहले ले लो, पहले दो होगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स प्लस 1 फैक्टर, माइनस 4x कॉमन तो एक्स प्लस 1 फैक्टर। जैसे मैंने बोला था, अगर यहाँ पे माइनस है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल रही हूँ, तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस 5 कॉमन, सो ब्रैकेट डाल रही हूँ तो प्लस हो जाएगा। अब ये तीनों में से क्या कॉमन है, एक्स प्लस 1 हो गया, ये फैक्टर है ऑलरेडी, यस। और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये इसको फर्दर करेंगे, ठीक है? 5 है तो 5 वन जा 5, ओके। और ये होगा माइनस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक है? तो एक्स प्लस 1, एक्स इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5, सो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है? तो हमारा जो हमने जो फैक्टर्स निकाले थे यहाँ पे स्टार्टिंग में ही, कि 5 के कितने फैक्टर्स होंगे, ठीक है? पी ऑफ 1, तो पी ऑफ माइनस 1 तो है ही, और ये भी 5 में से भी है, ओके? चलो नाउ नेक्स्ट। थ्री एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कौन सा ले लेते हैं, 20 है तो 20 के कितने फैक्टर्स होंगे, 20 है तो 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, मतलब प्लस और माइनस 1, प्लस और माइनस 2, प्लस और माइनस 5, ठीक है? वैसे तो बोलते हैं कि ट्रायल करना है, 1 और माइनस 1 में आ जाएगा, लेकिन कई सम्स ऐसे हैं जो 1 और माइनस 1 में नहीं आता है, तो फिर नेक्स्ट सम आप कैसे लोगे? तो उसके लिए ये एक बार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप रैंडमली कोई भी नंबर लेके नहीं जाना है, ठीक है? तो पहले आप क्या फाइंड करोगे, पी ऑफ 1 फाइंड करो, पी ऑफ माइनस 1 फाइंड करो, पी ऑफ 2 फाइंड करो, पी ऑफ माइनस 2 फाइंड करो, पी ऑफ 5 फाइंड करो, पी ऑफ माइनस फाइंड करो। लॉजिकली देखने जाओ तो सारी साइंस क्या है, प्लस है। अगर मैं पी ऑफ 1 करती हूँ तो भी मेरा जीरो नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि सारे प्लस प्लस हो जाएंगे, जीरो नहीं आएगा। तो मैं स्टार्ट करूंगी पी ऑफ माइनस 1 से, शायद जीरो आ जाए, ठीक है? सो 13 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20, तो ये माइनस 1 प्लस 30, और ये माइनस 32 प्लस 20, तो ये होगा 12 माइनस 12, ठीक है? तो ये हो गया 0, डेट मीन्स एक्स इक्वल्स टू माइनस 1, देयर फॉर एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर, ठीक है? एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर। अब जैसे हमने प्रीवियस सम में किया था वैसे ही हम करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। जैसे देखिए, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है? तो x प्लस 1 फैक्टर है तो प्लस 1 ही चाहिए। इसमें जैसे मैंने बोला था, ये और ये कभी चेंज नहीं होंगे, स्प्लिट होगा मिडल वाला, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर
लेकिन एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या है, 13, मुझे 13 चाहिए, तो प्लस 12x² कर लो। तो अगेन 12x² देखो, 12x² लिखा तो 12x लिखना क्या, क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन फैक्टर चाहिए। अब ये क्या है, 32 चाहिए, तो प्लस 20x लिख दो, और ये प्लस 20, ठीक है। तो ये दो दो की पैर, मतलब कि आपको ध्यान में दो चीज रखना है कि मिडल टर्म जो है वो भी आना चाहिए और एक्स प्लस वन फैक्टर भी आना चाहिए। ये है ना, एक दो सम से नहीं होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेफरेंस बुक है कोई तो ले लो, RS अग्रवाल है, उससे आप प्रैक्टिस करो, ऐसे बहुत सारे सम्स है उसके अंदर, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो आगे जाके भी आता है, ठीक है। अब ये 20 है, 20 देखने जाओ तो 4 × 5 भी होता है, 2 × 10 भी होता है, 4 + 5 9 होता है, 2 + 10 12 होता है, मुझे 12 चाहिए बीच में। सो x + 1 × x² + 2x + 10x + 20, सो x + 1 × x (x+2) + 10 (((x+2). सो x + 1 x + 2 and x + 10, ठीक है, ओके। तो ये आपका आंसर, मतलब इतने सारे फैक्टर्स है। फोर्थ, 2y³ + y² -2y - 1, ये तो सीधा सीधा ही हो जाएगा, सीधा सीधा ही हो जाएगा, ये y² कॉमन, सो 2y + 1 - 1 कॉमन, 2y + 1, सो 2y + 1 × y² - 1, जैसे मैंने बोला था 3 होगा, तो 2y + 1, और ये हो जाएगा y - 1 y + 1। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।